भी आपने एक सवाल पूछा था कि जवार कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो हमने यही कहा था कि फंडामेंटल जवार के बहुत मजबूत है और इसमें कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि लगभग 1 करोड़ बोरी की रिक्वायरमेंट हर साल होती है और इस साल लगभग 25 से 30 लाख बोरी का ही उत्पादन का अनुमान है, जो कि लगभग कुल उत्पादन का लगभग 30% ही बैठता है जी। अब इसके अलावा जो जो जिनके पास जवार की फसला कई सालों से है, क्योंकि गौरतलब है कि जवार की एक ऐसा कृषि उपज है जिसको बरसों बरस तक किसान और कारोबारी रख लेते हैं अच्छी दाम के आस में, और एक जवार की कुल उत्पादन के साथ साथ कितना माल देश के अंदर मौजूद है इसकी गणना करना सबसे मुश्किल का काम होता है, क्योंकि गवार की किसी के पास 2 साल पुराना भी हो सकता है, 4 साल पुराना भी हो सकता है और 6 साल पुराना भी हो सकता है, और इसके अंदर और वो कितना उपलब्ध किस किसान के पास या किस कारोबारी के पास उसने रखा हुआ है इसका सटीक अनुमान बहुत ही मुश्किल है। खाली आप सिर्फ बिजाई और उपलब्ध करंट फसल के आधार पर ही आप अनुमान लगाते हैं। यहाँ तक हमारा अनुमान नजर आ रहा है कि जो हमने सर्वे किया है, ग्राउंड रिलेटिव कई किसानों से बात की, कारोबारी से बात की, एक्सपोर्टर से बात की, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस बार पुराना जो कमजोर हाथों के अंदर जो गवार था वो लगभग बाजारों में आ चुका है और एक्सपोर्ट के पर्याप्त ऑर्डर एक्सपोर्टर के पास हैं। अब जो आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर जो मजबूत हाथों के अंदर जिनके पास गवार है वो उनका मानना यही है कि हम अच्छे दामों के बगैर हम माल नहीं देंगे, हमें माल रोकना है, और कुछ कारोबारियों का तो यहाँ तक भी कहना है कि हमने इसको 5 से 7 साल तक रोक के रखा है और हमें मालूम है कि जब 5 से 7 साल का इसका भंडारण का कॉस्ट, इसका ब्याज भाड़े का कॉस्ट, इसका साल सवाल का जो कॉस्ट है वो इतना ज्यादा है कि अभी हम इन रेट के ऊपर हमें वारा नहीं खाता है, हमें इसके अंदर तेजी मिलेगी तो हम करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे, ये कुछ कारोबारी और किसानों का मत है। तो मैं भी उनसे सहमत हूँ, क्योंकि जब 5 से 7 साल 6 साल तक किसी ने अपना माल रोक के रखा है और उसको बहुत नीचे के स्तर के ऊपर भी उन्होंने गवार को नहीं बेचा अपने दिमाग के हिसाब से, तो जब उनको भाव मिलने की जरी सी उम्मीद है तो वो निश्चित रूप से उस उम्मीद के ऊपर अपना माल रोकेंगे, ये मेरी धारणा काफी लोगों से बात करने के ऊपर आई है। तो कुल मिला के गवार सीड का जो फंडामेंटल है बहुत मजबूत है, डब्बे के अंदर तेजी मंदी चलती रहेगी, इसमें कोई दोराय नहीं है और चलनी भी चाहिए। एक और विशेष जो मुझे समझ आ रहा है कि NCDX के ऊपर अब मार्जिन के अंदर भी संभवतः गवार के अंदर कमी आने की संभावना है और जैसे ही लिक्विडिटी बढ़ाने की बात होगी मार्जिन कम होगा, मुझे लगता है कि इसके अंदर गवार सीट के अंदर जो मार्जिन जमा करके पोजीशन खड़े करने वाले जो कारोबारी हैं वो भी इसमें अधिक रुचि लेने लगेंगे। तो अभी टाइम धैर्य का है, इसमें कोई दोराय नहीं है और जो धैर्य रखता है उसको फायदा भी मिलता है। लेकिन एक और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनवरी फरवरी महीना गवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, इसके अंदर कमजोर दिल वाले कमजोर हाथ उनको भी झटके लगेंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है, और बाजारों के अंदर ऊपर और नीचे आना बाजार की फितरत है, व्यापार का नजरिया है और इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। आप इसको सट्टेबाजी कहें या डब्बे की कलाबाजी कहें या सटोरियों की बात कहें या यदि इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये तेजड़िए और मंदड़ियों का खेल है, और कोई भी बाजार हो उसके अंदर तेजड़िए और मंदड़िए यानी बुल्स और बियर्स की लड़ाई होती है। शेयर बाजार आप देख लीजिए, शेयर बाजार के अंदर भी बुल्स और बियर्स की लगातार लड़ाई होती है, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं कि जो 2 से 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक की उसमें ग्रोथ देखी गई है। 2019-20 के अंदर अडानी एंटरप्राइजेज 225 रुपए का शेयर था, आज 1800 रुपए का से ऊपर का शेयर चल रहा है और यह हो सकता है आने वाले समय के अंदर 2000 से भी ऊपर क्रॉस कर जाए। तो व्यापार और कारोबार करने वालों के लिए तेजी और मंदी बुल्स एंड बियर्स का खेल रहेगा और इसके अंदर कोई भी इसको संसार में रोक नहीं सकता। छोटी अवधि के लिए जरूर आप उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, अगर मगर तो कर सकते हैं, लेकिन यदि यह चीज नहीं रहेगी तो वो कारोबार ही समाप्त हो जाएगा। जिस भी बाजार के अंदर जान नहीं होगी, उतार चढ़ाव नहीं होगा, तेजी मंदी नहीं होगी, ये एक मृत का सूचक है।
तो यदि आप एक्टिव है तो उछलोगे भी, कूदोगे भी, दौड़ोगे भी, पेड़ पे भी चढ़ोगे, मोटरसाइकिल भी चढ़ाओगे, कार भी चलाओगे, तेज मन भी सब करोगे। यदि आप डेड हो तो आप बिस्तर पर बैठे हो, 90 साल का व्यक्ति है, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, बीमारी 50 है, तो उससे उसको क्या है। तो आप एक्सचेंज को बीमार मत बनाओ। मेन चीज है कि आप अपनी काबिलियत दिखाओ, तेजी मंदी को भापो, अपना पैसा लगाओ, तो कर तो आप कमा सकते हो, अन्यथा नहीं कमा सकते। आपकी खुद की कमियों का दोष आप एनसीडीएक्स पे डालना, एनसीएक्स पे डालना, अपनी बात करना, ये एक नासमझी की बात मेरे हिसाब से हो सकती है। ये अगले चीज जी, फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।